क्या आप भी रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स में काम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फिल्में और सीरियल दोनों ही करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की डिटेल शेयर करूंगी जो फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं और सीरियल भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर एक्टर हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। आज आप लोगों के साथ रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की डिटेल शेयर करूंगी। रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं रश्मि शर्मा और पवन कुमार, ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्हीं का प्रोडक्शन हाउस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने अभी तक के 2 फिल्में बनाई हैं और काफ़ी सीरियल बनाए। आपने इनकी फिल्में देखी भी होंगी, डेज ऑफ तफरी और पिंक। पिंक में अमिताभ बच्चन थे और तापसी पन्नू। आपने इनके कई सारे सीरियल भी देखे होंगे। एक सीरियल आया था और उसी सीरियल से इनका प्रोडक्शन हाउस काफ़ी फेमस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सीरियल बनाए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साथ निभाना साथिया की, जिसका सीजन 2 भी आने वाला है। आपने इनका सीरियल ससुराल सिमर का देखा होगा और स्वरा रागनी देखा होगा, मुस्कान देखा होगा। काफी सीरियल बना चुके हैं। प्रेजेंट टाइम पर इनके 4 सीरियल टीवी पर आ रहे हैं। एक है शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जग जननी माँ वैष्णो देवी की कहानी और संतोषी माँ लॉकडाउन की लव स्टोरी। लॉकडाउन की लव स्टोरी अभी हाल ही में शुरू हुआ। इनका एक और सीरियल जल्दी आने वाला है, साथ निभाना साथिया का सीजन 2, जिसका प्रोमो भी सामने आ चुका है। वेल, प्रोमो आप लोगों ने देखा ही होगा, इस शो की कास्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और सीरियल करना चाहते हैं, फिल्में करना चाहते हैं, तो आप रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स में अपनी फोटोज भेजें और डिटेल्स भेजें। अगर जा सकते हैं तो ऑडिशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी मेल ID मिल जाएगी। घर बैठे आप इनको अपनी फोटोज भेजिए और डिटेल्स भेजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसी फोटोज़ भेजनी है, डिटेल्स भेजनी है, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके की फ़ोटो भेजनी है और क्या क्या लिखना चाहिए। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप मुंबई में डायरेक्ट जाके पता कर सकते हैं कि कोई ऑडिशन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है और अभी कास्टिंग डायरेक्टर कौन है। अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं और आप मेल भी नहीं कर सकते हैं तो आप लैंडलाइन नंबर पर उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि अभी कास्टिंग डायरेक्टर कौन है और कौन कौन से ऑडिशन चल रहे हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप इन्हें अपनी अच्छी अच्छी फोटोज मेल कर दीजिए और डिटेल्स भी लिख दीजिए जो जो मैंने आप लोगों को बताई है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो फ्रेशर एक्टर्स हैं। आप तो जानते हैं कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो फ्रेशर एक्टर्स हैं और इंडस्ट्री के बारे में जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। जैसे मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, उसी तरीके से आप भी लोगों की हेल्प करिए और मेरा वीडियो शेयर करिए उन एक्टर्स के साथ जो फ्रेशर हैं, जो इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है और वो फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर से ज़रूर सारी जानकारी पहुंचाइए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।